तो आज की कहानी शुरू होती है सन 1860 में स्कॉटलैंड से। थॉमस हॉर्न जूनियर, इस शख्स की पैदाइश होती है स्कॉटलैंड में 21 नवंबर 1860 को। हॉर्न 22 बच्चों में से अपने माँ बाप की पांचवी संतान था। शुरू से ही हॉर्न के अपने पिता यानी थॉमस हॉर्न सीनियर और अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। थॉमस का एक ही दोस्त था दुनिया में और वो था इसका एक कुत्ता जिसका नाम था सेड्रिक। लेकिन एक दिन क्या होता है कि थॉमस की दो लड़कों से लड़ाई हो जाती है और इस बीच वो दोनों लड़के इरादतन सेड्रिक को इस शॉटगन से मार डालते हैं। 14 साल की उम्र में थॉमस अपना घर छोड़ देता है और चला आता है सेंटाफे नाम के इलाके में जो था मैक्सिको में। उसके बाद वो अमेरिका के एरिजोना में जाता है। अब चूंकि थॉमस 2 से 3 देशों में रह चुका था और इसको इंग्लिश के अलावा कुछ ओल्ड लैंग्वेजेस भी आती थी, इसको यूएस केवल तो इसलिए यूएस केवलरी में इसको एज एन एंटरप्रेन्योर हायर कर लिया जाता है। हॉर्न की स्पेनिश और अपाचे और इंग्लिश तीनों भाषाओं पर काफ़ी अच्छी पकड़ थी। नाउ यहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है अपाचे वॉरियर्स। अपाचे वॉरियर्स के बारे में आपको ना पता हो तो इन लोगों का अपना एक विंग था और इनकी लड़ाई अमेरिका और मेक्सिको से थी जिसमें ये अपना कुछ इलाका क्लेम कर रहे थे। अब जिस इलाके में हॉर्न रहा करता था वहाँ पर अपाचे वॉरियर्स ने यूएस आर्मी को परेशान कर रखा था और आए दिन छुपकर हमला करते और कई यूएस सोल्जर्स मारे जाते। एक बार की बात है, एक सेना की टुकड़ी खाड़ी को पार कर रही थी जिसको लीड कर रहे थे एडमंड हंटिंग। तभी वहाँ पर अपाचे वॉरियर्स का हमला हो जाता है और ऑफिसर इन कमांड एडमंड हंटिंग की मौत हो जाती है। ऐसी हालात में आला कमान का हुक्म आता है कि थॉमस हॉर्न और इसके साथ एक और सैनिक जाएगा, पहाड़ी पर चढ़ेगा, अपाचे वॉरियर्स को लोकेट करेगा और हमला करके उनको ख़त्म करेगा। जाहिर तौर पर अपाचे वॉरियर्स इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं थे और ये रिस्की काम भी था, लेकिन थॉमस हॉर्न और उसका साथी ये कर दिखाता है और पहाड़ी पर ऊँचाई की पोजिशन लेकर ये लोग अपाचे वॉरियर्स को ख़त्म कर देते हैं। एक और ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें थॉमस हॉर्न एक अपाचे वॉरियर्स के नेटिव अमेरिकन लीडर को मार गिरा देता है, वो होता है 1886 में। तो इससे थॉमस हॉर्न काफ़ी वाहवाही लूटता है और हायरार्की में ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन जब अपाचे वॉरियर्स के साथ यूएस की लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो थॉमस हॉर्न का भी काम ख़त्म हो जाता है और यूएस कैवलरी की नौकरी से इसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। हालांकि थॉमस के पास अब कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उसके पास इस नौकरी से कमाया हुआ पैसा तो था ही। तो अब थॉमस तय करता है कि वो कुछ कैटल्स खरीद लेगा जिसमें से लगभग 100 के लगभग कैटल और 26 घोड़े थे। लेकिन यहाँ पर थॉमस की किस्मत कुछ और ही चाहती थी और बदकिस्मती से एक दिन कुछ चोर, कुछ रेंचर्स आते हैं और रात के वक्त उसके सारे कैटल्स को चुरा कर ले जाते हैं। और जब सुबह थॉमस की आँख खुलती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि अब उसके पास ना तो कोई कैटल है और ना ही कोई पैसा बचा है। और इस हादसे के बाद थॉमस को चोर लोगों के खिलाफ नफरत भर जाती है। इस वाक्य के कुछ दिन बाद एक लड़ाई छिड़ जाती है जो लड़ाई अमेरिका में प्लीजेंट वैली वॉर के नाम से जानी जाती है। इस लड़ाई में कैटल पालने वाले और शीप पालने वाले गुट के बीच में लड़ाई हो जाती है जो कई दिनों तक चलती है और कई लोग इसमें अपनी जान गंवाते हैं और इसमें थॉमस हॉर्न भी कई लोगों का कत्ल करता है। अपने सारे जानवर खो देने के बाद थॉमस लॉ इन्फोर्समेंट के फील्ड में कोई काम देखने के बारे में सोचता है और 1990 में इसको काम भी मिल जाता है और इसको डिप्टी शेरिफ की पोस्ट पर ले लिया जाता है एरिजोना के अंदर, क्योंकि थॉमस ना सिर्फ बात करने में अच्छा था या पिस्तौल चलाने में भी अच्छा था और बहुत इंटेंस प्रेशर में भी अपने को काम, कंपोज और कूल बनाए रखता था। ये अपने काम में इतना माहिर था कि उस एरिया में एक एजेंसी चलती थी एरिजोना में जिसका नाम था पिंकर्टन एजेंसी। तो ये एजेंसी जो जासूसी का काम करती थी वो थॉमस को अप्रोच करती है एज ए डिटेक्टिव उसको हायर करने के लिए और थॉमस एज ए डिटेक्टिव पिंकर्टन एजेंसी का हिस्सा बन जाता है। अब थॉमस अपने काम में इतना माहिर था कि इसको जिस किसी भी पर्सन को ढूंढने का काम दिया जाता ये उसे ढूंढ निकालता और ज़रूरत पड़ने पर सामने वाले का कत्ल करने से भी नहीं कतराता। थॉमस पिस्तौल चलाने में इतना अच्छा था कि ये 200 यार्ड दूर से भी हाई एक्यूरेसी के साथ किसी को भी शूट कर सकता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि एक्चुअल में गोली चली कहाँ से वो हिट हुए हैं।
तो अपनी इस नौकरी के दौरान थॉमस ने कई दर्जनों लोगों को ढूंढ निकाला और कहा जाता है कि उसने 17 लोगों का कत्ल किया। लेकिन एक बात जो थॉमस के लिए मुसीबत का सबब बनी वो ये कि थॉमस के मन में चोरों के लिए जो नफरत थी वो अभी भी बनी हुई थी। इसलिए जहाँ कहीं चोरों को पकड़ने का काम इसे दिया जाता, ये उनको पकड़ने के साथ ही उनका कत्ल भी कर देता। और ये बात इस नौकरी के लिए थॉमस के खिलाफ गई। थॉमस पर 2 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम लगा जो उसने कानून के दायरे में रहकर नहीं किए थे, लेकिन एजेंसी ने हर बार थॉमस को बचा लिया क्योंकि वो उनका आदमी था। लेकिन एजेंसी भी कब तक थॉमस को सपोर्ट करती। इस बीच एजेंसी के एक और डिटेक्टिव ने थॉमस के बारे में सबके सामने खुलेआम कहा कि बेशक थॉमस एक बेहतरीन एजेंट है, लेकिन वो अपने आप में कुछ अजीब है और सनकी किस्म का है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो लोगों की जान नहीं लेगा। उसकी ईविल साइड उसके कंट्रोल में नहीं है। और इस वाक्य के बाद पिंकर्टन एजेंसी से थॉमस को मजबूरन निकाल दिया जाता है क्योंकि एजेंसी किसी भी तरह की बैड पब्लिसिटी नहीं चाहती थी। 1894 में थॉमस वायोमिंग नांग के इलाके में जाना तय करता है जहाँ पर जॉनसन काउंटी वॉर अपने अंतिम चरण में था। वहाँ पर ऐसे चोरों का बहुत आतंक था जो जानवरों को चुरा कर ले जाते थे और जाहिर तौर पर थॉमस को चोरों से नफरत थी ही। अब यहाँ पर थॉमस को एक रोज़गार की गुंजाइश दिखती है और वो एक गनमैन बन जाता है जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी चोर का कत्ल करता था। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता था कि किस चीज़ ने उन्हें हिट किया है क्योंकि थॉमस बहुत दूर से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ गोली चलाने में माहिर था। हर एक चोर को मारने के लिए थॉमस $500 चार्ज करता था। जल्दी ही थॉमस इलाके में फेमस हो गया और खुद थॉमस अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताता था कि उसकी खासियत है कि वो किसी भी इंसान को ढूंढ कर मार सकता है और यही उसका बिजनेस है। 1898 में थॉमस फ्लोरिडा के टेम्पा नाम के इलाके में US आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है जहां वो एज ए चीफ पैकर काम करता है अमेरिकन स्पेनिश वॉर के दौरान। इसके बाद वो जाता है क्यूबा। आपको पता हो तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में भी लड़ाई हुई थी जहां अमेरिका और क्यूबा के बीच युद्ध चल रहा था। यहां पर वो अपनी जान पर खेलकर US आर्मी को सर्व करता है। यहां पर उसका काम था युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के लिए एम्युनिशन गोला बारूद मुहैया करवाना। लेकिन एक बार और थॉमस की बदकिस्मती अपना रंग दिखाती है और थॉमस को मलेरिया हो जाता है और उसे फिर से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो अब थॉमस फिर से लौट पड़ता है अपने पुराने बिजनेस की तरफ जहां वो वायोमिंग में फिर से गनमैन बन जाता है। लेकिन क्योंकि वो पहले ही बहुत फेमस हो चुका था और उसके बारे में लोग थोड़ी नफरत से भर चुके थे, तो इस बार वो अपने नाम को बदलता है और अपना एक एलियास क्रिएट करता है, जेम्स हिक्स। और इस नाम के साथ वो वायोमिंग से चला जाता है कोलोराडो नाम की जगह पर। इस इलाके में वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने लग जाता है। उसने कई चोरों को मारा जिसकी वजह से बहुत से चोर ये इलाका छोड़कर जाने लगे। 1901 में थॉमस फिर से वायोमिंग लौट आता है, लेकिन यहाँ पर थॉमस के साथ एक ऐसी चीज़ होती है जो उसके करियर को और खुद थॉमस को तबाह करने वाली थी। होता यह है कि 14 साल का एक बच्चा विलियम निकल एक मुठभेड़ में मारा जाता है जो कि एक कैटल फार्म के मालिक का बेटा था। यहाँ पर असली निशाना जो है विलियम निकल का पिता यानी केल्स निकल को होना था। हालांकि 7 दिन बाद थॉमस केल्स निकल को भी मार गिराता है, लेकिन थॉमस के लिए मुसीबत का सबब तब बन जाता है जब इलाके के काउंटी कमिश्नर एक शख्स को हायर करते हैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि केल्स निकल्स एक बड़ा आदमी था और ज़ाहिर तौर पर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन बैठना लाजमी था। तो डेप्यूटी US मार्शल जो लेफर्स को हायर किया जाता है इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ पर ये डिटेक्टिव क्या ट्रिक लगाता है कि थॉमस को लेटर भेजता है जिसमें वो कहता है कि उसे एक शूटर की ज़रूरत है किसी का मर्डर करने के लिए जो उससे कैटल्स चुरा रहा है मोंटाना नाम के इलाके में। और लेफर्स इसके लिए थॉमस को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन यहाँ पर एक धोखाधड़ी थॉमस के साथ होती है कि लेफर्स अपने साथ एक कॉल रिपोर्टर भी रखता है और बदनसीबी से थॉमस जो है वो विलियम निकल के कत्ल को कबूल कर लेता है। लेफर्स को इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर थॉमस कई और कत्ल की भी बात कबूल कर लेता है और कहता है कि विलियम को जो लगाया गया शॉट था वो उसकी लाइफ का बेस्ट शॉट था। अब चूंकि जाहिर सी बात है सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी, तो इसके आधार पर अब थॉमस पर केस चलाया जाता है। थॉमस अब तक बहुत सारा पैसा कमा चुका था अपने प्रोफेशन से
तो वो अपने एरिया के सबसे बेस्ट लॉयर को, सबसे अनुभवी लॉयर को हायर करता है अपना केस लड़ने के लिए। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि उस वक्त जज ना होकर एक जूरी का सिस्टम होता था। अब जूरी के सामने थॉमस जो है वो ऐसा शख्स था जिसमें बहुत ईगो, बहुत घमंड, तो उसका ये जो घमंड है ये उसको ले डूबता है और वो खुद अपने इन अनुभवी इन टैलेंटेड वकीलों का दुश्मन बन जाता है और कई जगह अपने ईगो के चलते उल्टे सीधे जवाब देता है, उल्टे सीधे बयान देता है, जो कि जूरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये जूरी से भी कई बार भिड़ जाता है। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती वो ये कर बैठता है कि उसके वकीलों ने उसके लिए एक सॉलिड एलिबाई तैयार कर दी थी कि जिस वक्त विलियम निकल वाला मामला हुआ उस वक्त तो थॉमस हादसे की जगह से 20 मील दूर बैठा था और वो हादसा होने के एक घंटे बाद उस इलाके में आया। लेकिन थॉमस निकल जो है वो इसको भी खारिज कर देता है, जबकि वकील ये भी कहते हैं कि थॉमस ने जो गुनाह कबूल किया है उस वक्त उसने शराब पी रखी थी, वो अपने होशो हवास में नहीं था। लेकिन थॉमस फिर से अपने ईगो के चलते ये बात भी क्लियरली खारिज कर देता है और अपने ईगो, अपने घमंड, अपने बड़बोलेपन के चलते 26 अक्टूबर 1902 के दिन थॉमस हॉर्न को जूरी द्वारा दोषी करार दिया जाता है। वायोमिंग सुप्रीम कोर्ट थॉमस को सजाए मौत सुनाती है। जेल में अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए थॉमस अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है जो कि 1904 में पब्लिश होती है, जिसमें वो अपनी सारी स्टोरीज लिखता है कि किस तरह उसने अपाचे वॉरियर्स को, उसके कमांडर को सरेंडर करवाया और कैसे उसने अमेरिका की सेवा की और किस तरह उसने कई चोरों को, कई रैंचर्स को मौत के घाट उतारा। 20 नवंबर 1903 को वायोमिंग की जेल में थॉमस को फांसी पर लटका दिया जाता है और इस तरह एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी पर पर्दा गिरता है जिसने अपनी ज़िंदगी में यूएस आर्मी को सर्व करने से शुरू किया और किस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बनना उसको ले डूबा, उसका ईगो उसको ले डूबा, उसका घमंड, उसका बड़बोलापन वो उसको ले डूबा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया।